हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों, एक और पहाड़ों में एक और नया दिन, एक और नई सुबह। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर से, रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता भी कर लिया है। तो अभी जा रहा हूँ काम की तरफ को, चौकुटे साइड पर। तो काम स्टार्ट करवाते हैं, सुबह का टाइम है। आज भी जो तीसरा पार्ट है हमारा रेड एनिंग होता, उसकी चिनाई वहाँ पर होगी। तो साथ में दूसरी बाल्टी भी पकड़ी हुई है। तो चलते हैं चौकुटा की तरफ, अपना दिन शुरू करते हैं दोस्तों और अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन भर बहुत कुछ होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग पहाड़ों से। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मॉर्निंग समय है और मैं पहुँच चुका हूँ चौकुटा साइड पर, और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। जो हमारा तीसरा पार्ट है रिटेनिंग वॉल का, वो आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक है। और मिट्टी भरान का कार्य लगभग फिनिश हो चुका है। हमारा प्लंथ एरिया सामने में आप देख रहे होंगे, उसके आगे जो गड्ढा सा देख रहे हैं वहाँ पर आएगा वाटर टैंक। तो काम शुरू हो चुका है। ऊपर रोड है, रोड से मटेरियल यहाँ पर पत्थर, जो भी है पत्थर हमारा, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, जो भी है वो यहाँ पर घोड़े ला रहे हैं। दो घोड़े यहाँ पर आए हुए हैं। तो काम शुरू हो चुका है और सुबह के टाइम में इस प्रकार व्यू जा रहे हैं चौकुटा साइड से। देखिए, आज बादल हैं हल्के हल्के आसमान में, लेकिन हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है पहाड़ों पे। और धुंध भी, जैसे गर्मी शुरू होती है वैसी वैसी हल्की धुंध सी दिखती है, उतनी क्लियर विजिबिलिटी अभी नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो भी है, बढ़िया व्यू है, बढ़िया धूप लगी हुई है, काम करने के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। इतना कोई टफ नहीं है, गर्मी के दिन है, वैसी गर्मी तो पहाड़ों पर लगती नहीं है क्योंकि ठंडा ही रहता है पहाड़ों पर। फिर भी हल्की 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 उमस है, बाकी सब ठीक है, काम करने के लिए बढ़िया हो रहा है। और नीचे लोग खेतों पर अपने सभी तैयारी कर लिए हैं, सभी यहाँ पर आलू वालू लगा रहे हैं नीचे खेतों पर। तो सभी कुछ बढ़िया हुआ है। पास में ये जो नया कॉटेज बन रहा है, इसके पास में देखिए मस्त आड़ू के पेड़ पे क्या बढ़िया फूल खिले हुए हैं। और गेहूँ तो काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं इस बार सभी जगह। और ये रही हमारे फ्रंट से रिटेनिंग वॉल की लुक। सामने में दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे पार्ट भी अभी चिनाई चल रही है, वो भी लगभग शायद आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये देखिए, तो दोस्तों फाइनली लंच के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ चौकुटा साइड पे, और मैं आपको काम दिखाता हूँ जो हमारा दिन में काम होने वाला है। जहाँ तक है आज जो थर्ड पार्ट है रिटेनिंग वॉल का, वो शायद कंप्लीट हो जाए हमारा। और साथ में थोड़ी बहुत रस्सी भी ले जा रहा हूँ अभी मार्केट से, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ गई हमें। लेकिन जो भी है, आज मौसम काफ़ी अजीब हो रखा है, मज़ा नहीं आ रहा है मौसम में, अजीब सी धुंध छाई हुई है पहाड़ों में। तो अभी पहले मौसम दिखाता हूँ, फिर साइड पर पहुँच जाते हैं और मैं आपको काम दिखाता हूँ कि दिन भर में हमारा कितना काम आज यहाँ पर हो पाता है। देखते हैं प्रोग्रेस कितनी आती है। मुझे लग रहा है जहाँ तक है तीसरा पार्ट हमारा कम्प्लीट हो जाना चाहिए आज, फिर भी देखते हैं काम कितना हो पाता है। पहले नज़ारे दिखाता हूँ, अजीब सा माहौल बना हुआ है, अजीब सा मौसम बना हुआ है। देखते हैं पहले मौसम कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा है, आप भी देखिए। फ्रेंड, बस पहुँच जाता हूँ, सामने आप देख रहे होंगे मंदिर हमारा, तो उसी के बगल में चल रही है साइड रोड से नीचे। आज जो व्यू देख रहे हैं आप, व्यू देखिए, अजीब सा धुंध आ रखी है पहाड़ों में, अजीब सी धुंध है। देखिए, उतनी विजिबिलिटी क्लियर भी नहीं आ रही है। जो सामने वाला पहाड़ है, इसके आगे वाला पहाड़ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। पता नहीं ऐसा मौसम क्यों हो रखा है। रात को थोड़ी बहुत नमी भी काफ़ी हुई थी, सुबह ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, क्या पता ओस हो, लेकिन भरपूर नमी सुबह लग रही थी। अभी भी मौसम काफ़ी अजीब दिख रहा है। देखिए, मैं आ चुका हूँ सामने कसेली मार्केट से, अभी हूँ चौकुटा वाली रोड पर। और ऊपर भी मस्त एक कॉटेज डेवलप है, देखिए कैसी हार्ड रॉक पर इन्होंने बना रखा है। तो चलते हैं साइड पर, और दिन भर का जो हमारा काम होता है शाम तक का, वो आपके साथ शेयर करूँगा। व्यू आज मज़ा नहीं आया व्यू में, सुबह तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था, लेकिन अभी तो देखिए धुंध दिख रही है चारों तरफ। तो फ्रेंड, काम यहाँ पे चला हुआ है, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जो तीसरा पार्ट है हमारा, उस पर चिनाई जा रही है। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी आज चिनाई इस पर हुई, देखते हैं कम्प्लीट हो पाता है नहीं हो पाता है। बाकी थोड़ा बहुत सामने में मिट्टी भराना भी बाकी है, बाकी तो एरिया लगभग लगभग प्लंथ आ गया। बाकी जहाँ पर आपको एक गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पर आना है वाटर टैंक, बाकी पूरा लेवल है अभी। जो नीचे वाला इनका पार्ट है, ये तो पूरा प्लंथ हो चुका है। बाकी जहाँ पर यहाँ पर टैंक रखी है, इसको बाद में देखेंगे जब आर्किटेक्ट इस पर डिज़ाइन करेगा, कहाँ पर क्या आना है वो हमें पता चल जाएगा। बाकी व्यूज इस प्रकार आ रहे हैं अभी यहाँ से, इस साइड से अजीब सी धुंध है देखिए पहाड़ों में।
मौसम भी काफ़ी अजीब सा हो रखा है। गर्मी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं मौसम ऐसा क्यों बना हुआ है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। अब ये वाली पहाड़ी देखिए, इसकी ऊंचाई पे देखिए, इसके जो टॉप एरिया है तो वहाँ पे कितनी धुंध छाई हुई है अभी। तो देखते हैं शाम तक कितना काम हो। तो फ्रेंड, फाइनली छुट्टी होने का समय हो चला है काम से, और जो आज हमारा कार्य हुआ रिटेन्यूअल का, जो तीसरा पार्ट था वो तो कम्प्लीट हो नहीं पाया। लगभग एक दिन उस पर और लगेगा। ये देखिए, इस पर हमने अभी DPC कर दी है पूरी, और साथ में कॉलम भी भर दिया है। और ये लुक आ रही है रिटेनिंग वॉल की। तीसरा वार्ड भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखिए, तो एक आध दिन और लगेगा। अभी जो बैक साइड है रिटेनिंग वॉल के, वहाँ पे भरी जा रही है मिट्टी। ये देखिए, ऊपर से DPC कर दी, और नज़ारे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। इनमें परसों तक बढ़िया फूल आ रखे थे, पुलम के पेड़ हैं, और धीरे धीरे इन पर पत्तियाँ आने लगी हैं। इसके बाद लगेगा फल। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पर काम रहा। तो छुट्टी का समय हो चला है, तो निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है और हम अपने काम से जा रहे हैं अभी घर की तरफ। और मौसम देखिए कितना कोहरा आया हुआ है, पहाड़ों में कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, दिन में से मौसम एकदम ऐसा ही हो गया, चारों तरफ एकदम कोहरा सा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये सामने कैंप साइड है, वो काफ़ी हल्की धुंधली दिखाई दे रही है। पता नहीं अचानक इतना कोहरा कहाँ से आ गया, सुबह तो मौसम ठीक ही था। तो निकलते हैं घर की तरफ को, शाम का समय भी हो चला है। सामने का सेलिंग मार्केट भी काफ़ी हल्की दिखाई दे रही है, थोड़ा धुंध आ गई है। देखिए, तो फ्रेंड मौसम आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार अभी पहाड़ों पे मौसम बना हुआ है। हम लोग तो चलने हैं घर की तरफ, साथ में हरीश भाई ले जा रहा है थोड़े सीमेंट के कट्टे हैं, खाली कट्टे। ये हमारे काम आ जाएंगे घरों में, जैसे खेतों की दीवार होती है उस पर काम आ जाएंगे। और झोले में भी कुछ ले जा रहे हैं। तो पहुँचते हैं घर पर, बाकी घर पर चल के आपसे बातें करते हैं। फ्रेंड शाम का मौसम इस प्रकार हुआ है पहाड़ों पर, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। सामने देखिए घरों पे, घरों के अभी शाम के समय में लाइट जली है बाहर की, तो तब पता चल रहा है कि मकान भी हैं करके। बाकी पूरा कोहरा ही छाया हुआ है, पता नहीं मौसम ऐसा क्या हो गया एक दो दिन से। शाम के समय में डेली ऐसा हो जा रहा है, देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा। तो दोस्तों, दिन भर की दौड़ भाग के बाद फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, और नज़ारे तो कुछ इस प्रकार हैं, सभी जगह धुंध छाई हुई है। पता नहीं एक दो दिन से मौसम ऐसा क्या हुआ है। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और दिन भर जो भी हमारा काम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और यही हमारा दिन भर का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो पहुंचेगी आपको कल यानी होली वाले दिन। तो हमारी तरफ से पूरे हमारे यूट्यूब परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, आपस में मिलने जुलने का त्यौहार है। तो सभी लोगों को हैप्पी होली, और खुशी खुशी सब होली मनाएंगे। हमारे गांव में तो इस बार होली लगी नहीं, क्योंकि कैजुअलिटी हो चुकी थी एक दो, तो उस चक्कर से गांव में होलियां लगी नहीं। तो फिर भी देश भर में तो कल होली ही है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां सभी मेरे व्यूअर और हमारी यूट्यूब परिवार को। दोस्तों, एंड करते हैं आज के ब्लॉग को, और ब्लॉग कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहाड़ों के ब्लॉग पसंद आते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती आप लोगों को पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही लेटेस्ट आने वाले ब्लॉग के लिए। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और